come to the next number, 25. Now it's a very interesting problem, number 25. Okay? Employee is admitted as partner with retrospective effect. तो अपने ही एम्प्लॉय को पार्टनर बनाया इन्होंने. देखिए क्या दिया है. सी एंड डी हैड बीन इन पार्टनरशिप फॉर 3 years, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल व्हिच हैड नॉट चेंज्ड ड्यूरिंग द पीरियड एंड वेयर रुपीज 1 lakh एंड रुपीज 50,000 रिस्पेक्टिवली. तो सी एंड डी का जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो कैपिटल प्रोपोर्शन में है जो कि 1,50,000 है. सो रेशियो क्या होगा इनका, 2:1. At the end of the third year, 31st 1999, they agree to admit their manager E into partnership as from the beginning of partnership. E had been in receipt of a salary of ₹3,500 per annum during the period and had ₹30,000 on loan to the firm from its inception. E जो हमारा manager है उसने firm को loan दिया हुआ है. Upon which he had received 6% per annum interest. The profit and loss account of the firm had shown the following result after charging interest upon capital at 5% per annum and E's salary and interest upon his loan. 97 profit 25 798 loss 4216 99 profit 17600. The terms upon which E was to admit a partner were that he should have a salary of ₹2,500 per annum and 1/6 interest in business as from 1/1/97, and that his loan should be treated as his capital, upon which he should receive the same rate of interest like C and D. C and D's ratio as between themselves should remain unaltered. Show correct distribution of profit. Sir. सर हमें कुछ समझ में आता, इससे पहले तो प्रॉब्लम खत्म हो गया. तो एक बार फिर से पढ़ ले एवरीवन, एक्चुअल वर्चुअल सब जन पढ़ लो. लेकिन सर फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, एग्जैक्टली क्या कर रहा है. तो सुनो, देखिए स्टोरी कुछ ऐसी है प्रॉब्लम की कि दो पार्टनर्स है ए एंड बी एंड दे इनिशियली हैव देयर कैपिटल ऑफ 1,50,000 जो कि आज भी उतना ही है और उसी रेशियो में वो उनका प्रॉफिट भी शेयर करते हैं. दैट इज 1,50,000 मतलब 2:1. 3 साल हो गए वो बिजनेस कर रहे हैं एंड इन द लास्ट 3 ईयर्स देयर प्रॉफिट्स अर्न आर 97 में प्रॉफिट हुआ 25,700, 98 में लॉस हुआ 4,216 और 99 में प्रॉफिट हुआ 17,600. तो ये क्या करते हैं, इनका जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो 2:1 में शेयर करते हैं. लेकिन प्रॉफिट शेयर करने से पहले पार्टनर को उसका जो कैपिटल है 1,50,000 उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है एट द रेट ऑफ 5%. इनके पास एक मैनेजर है जिसका नाम है ई. वो जो मैनेजर है उसने फर्म को लोन दिया हुआ है 30,000. बड़ी अजीब सी बात है कि हमारा एम्प्लॉय हमको लोन देता है फर्म को, अच्छी बात है. सो ये दैट ई हैज गिवन अ लोन ऑफ 30,000 जिसके ऊपर हम उसको इंटरेस्ट देते हैं 6% से और उसको हम सैलरी देते हैं ₹3,500 पर एनम. गॉट इट? तो ऑलरेडी 3 साल से फर्म है
जिसका रेशियो 2:1 है, जिसमें एक ई नाम का एक मैनेजर है जिसने फर्म को लोन दिया है, उस लोन के ऊपर 30,000 उसको 6% से इंटरेस्ट है, 3,500 रुपए साल का सैलरी है। तो हम लोग क्या करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, सबसे पहले एक पीएनएल को सामने लाइए, ठीक है। हम लोग पहले ई की, पहले हम एम्प्लॉय को पेमेंट करेंगे ना, तो ई की सैलरी दी, ई को जो लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दिया, फिर जो दोनों पार्टनर है उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट दे दिया, और फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है दैट वी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1, और वो जो प्रॉफिट हमने शेयर किया है दैट प्रॉफिट इज 25,700, लॉस 4,216 एंड प्रॉफिट इज 17,600। ये ऑलरेडी बहुत अच्छे से 3 साल से चल रहा है। अब क्या हो गया 3 साल के बाद, 3 साल के बाद उनमें कुछ एक अंडरस्टैंडिंग हुई है और वो चाहते हैं कि जो मिस्टर ई जो हमारे फर्म का एम्प्लॉई है, मैनेजर है, जिसने फर्म को लोन दिया हुआ है, अब आप उसको एज अ पार्टनर ट्रीट करें। कहां से? राइट फ्रॉम बिगिनिंग उसे एज अ पार्टनर ट्रीट कीजिए फॉर 1/6 शेयर, और कैलकुलेट कीजिए कि अगर वो पहले से अगर हमारा पार्टनर होता तो उसका जो 30,000 का जो लोन है ना वो कैपिटल मान लीजिए, और उसके ऊपर बजाय मैनेजर ने लोन दिया उसके ऊपर जो 6% इंटरेस्ट देते हैं बजाय उसके हम देंगे उसको 5% इंटरेस्ट, उसको जो हम सैलरी 3,500 देते थे बट एज अ पार्टनर हम सैलरी देंगे 2,500, और फिर जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो हम शेयर करेंगे इन न्यू पीएसआर। देखिए वो क्या आएगा क्योंकि ही इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, ठीक है। सो जो ऑलरेडी हो चुका है वो कैलकुलेट कीजिए पहले, नए टर्म्स के हिसाब से सी डी ई को क्या आता है वो देखिए, और फिर आपको एंट्री पास करनी है। आर गेटिंग? कुछ थोड़ा बहुत लिंक लग रहा है आपको? देखिए कल हमने एक प्रॉब्लम किया था ऐसा, वो लॉरल हड्डी का, उनका पहले रेशो 5:4 था, फिर वो डिसाइड किया कि हमको इक्वल चाहिए, फिर एक को ज्यादा तो गया एक को कम गया, फिर हमने 60,000 की एक एंट्री पास की थी, लॉरल को डेबिट करके हड्डी को क्रिएट किया था, बराबर ना। उसी तरह से यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी हो चुका है ना, जो भी आपने पार्टनर को इंटरेस्ट दिया उनको जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो चेक कीजिए, ई को आपने क्या दिया वो देखिए, अगर नए टर्म्स के हिसाब से देते तो कितना होता वो कंपेयर कीजिए, एंड देन आपको पता चलेगा कि अब एग्जैक्टली क्या एंट्री आपको पास करनी है। आई होप पिक्चर थोड़ा सा क्लियर है। एक फाइनल, एक आखिरी रीडिंग एंड देन विल गो फॉर द प्रॉब्लम, एक बार पढ़ लीजिए आप। पढ़ लिया? ओके नाउ चलिए थोड़ा थोड़ा मेरे साथ में कर लीजिए आप लोग। देखिए रिक्वायरमेंट बड़ी सिंपल है, जो ऑलरेडी तीनों को जो 3 साल में दिया है ना पहले वो चेक करना है, वो फाइंड आउट करना है, फिर क्या री जो टर्म्स हमारे जो न्यू टर्म्स है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए था वो निकालना है, और फिर आपको करना है कंपैरिजन, ठीक है। सो बनाए सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, इसमें हम कॉलम करेंगे 5 पर्टिकुलर्स, 97, 98, 99 एंड टोटल। दस बार लाइन का स्टेटमेंट करें, पर्टिकुलर्स 97, 98, 99 एंड टोटल।
करते चलिए, आपको समझ में जरूर आएगा। स्टार्टिंग में एक चार लाइन छोड़ दीजिए, चार पांच लाइन आंसर है। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, क्या क्या आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? 97 में 25,700, 98 में लॉस 4,216 एंड 90 में प्रॉफिट 17,600। सो ये प्रॉफिट्स आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, ठीक है। देन अब इनका कंडीशन क्या था, देखिए स्टार्टिंग से पढ़ता हूं मैं। सी एंड डी हैड बीन इन पार्टनरशिप फॉर 3 years, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल विच हैड नॉट चेंज ड्यूरिंग द पीरियड एंड वेयर रुपीज 1,00,000 and 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। At the end of third year, they agree to admit their partner, manager E, into partnership as from the beginning of the partnership. He had been in receipt of a salary of 3,500 per annum during the period and had to be 30,000 on loan to the firm from its inception, upon which he had received 6% per annum interest. The profit and loss account of the firm had shown the following result after charging interest on capital at 5% per annum and each salary and interest upon his loan. क्या दिया, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म हैड शोन द फॉलोइंग रिजल्ट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट अपॉन कैपिटल एट 5% ईच सैलरी एंड लोन। तो ये जो प्रॉफिट्स है ये पार्टनर का इंटरेस्ट, ई का इंटरेस्ट और ई की सैलरी देने के बाद है। सो आई कैन से इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल सी एंड डी सी का कितना है 1,00,000 इंटू 5% एंड डी का 50,000 इंटू 5%। सो ईयर 1,00,000 का 5%, सो एवरी ईयर इट इज 5,000 एंड 5,000, मतलब तीनों साल को मिलाकर अब तक हमने सी को इंटर दिया होगा 15,000 रुपए, डी का हमने इंटर दिया कितना 2,500, 2,500 एंड 2,500, 7,500 में इंटरेस्ट दिया, बराबर। देन इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन ईज लोन, इंटरेस्ट ऑन ईज लोन कितना था, ई का लोन 30,000, उसके ऊपर हमें उसे इंटरेस्ट दिया कितना 6% से, सो इट इज 1,800, 1,800 एंड 1,800, 5,400। फिर हमने ई को सैलरी दी जो कि हमने हर साल दी कितनी 3,500, एज अ मैनेजर करके 3,500, सो दैट टोटल कम्स टू 10,500। इसका मतलब ये हुआ कि ये देखिए लिखिए मत, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट 25,700 है, बट ये 25,700 प्रॉफिट हमारा पार्टनर का इंटरेस्ट, ई के लोन का इंटरेस्ट और ई की सैलरी देने के बाद है। इसका मतलब मेरा पहले प्रॉफिट कितना है, ये सारा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट और सैलरी देने के पहले प्रॉफिट कितना था। तो मुझे इन 25,700 में ये सारे क्या करने पड़ेंगे, एड करने पड़ेंगे। सो हियर दिस इज एड एड एड, देयरफॉर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी 38,500। अब ये 4,216 लॉस है ये एक्सपेंसेस जाने के बाद, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट, ठीक है, 30,400।
बराबर ना, ओके कोई बात नहीं। इसका मतलब देखिए सर, बेसिकली कैसे हुआ, बेसिकली ऐसे हुआ कि हमारा जो फर्म का प्रॉफिट था 97 का वो 38,500 था। लिसन केयरफुली, 38,500 प्रॉफिट था, उसमें से फिर हमने ई की सैलरी दी, ई का इंटर दिया, पार्टनर का लोन दिया, पार्टनर का इंटर दिया, फिर उसके बाद प्रॉफिट बचा कितना 2500 एंड वी डिस्ट्रीब्यूटेड दिस प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। सो हियर प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू सी एंड डी कितना 2:1 ना, सो ये 2500 आगे 2:1 गए, मतलब कितना 17,133 एंड 8,567। गॉट इट? सेकंड हमारा बेसिकली प्रॉफिट था 8,584, इतने सारे एक्सपेंसेस गए, हम लॉस में गए 4,216 और यही लॉस आगे ट्रांसफर सी एंड डी को 2:1 दैट इज 28,11 एंड 14,05 बराबर है क्या? सिमिलर ये 17,600 गया दोनों में, 11,733 एंड 5,867। इज दिस वेरी क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि पिछले तीन साल में ए सी को कुल मिलाकर प्रॉफिट कितना गया, जरा कीजिए 17,133 माइनस 2,811 माइनस प्लस 11,733 26,055 और डी को 13,029, इन दोनों की टोटल आई थिंक 39,084 और ये भी आपका 13,084 आता होगा, आप चेक कर ले। इट इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया? एक बार फिर से बता दूं, बेसिकली हमारा 97 का प्रॉफिट था 38,500 जिसमें से ई की सैलरी, ई का इंटरेस्ट, सी एंड डी का इंटरेस्ट, बचा प्रॉफिट 25,700 और वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया दोनों में सी एंड डी में 2:1। तो इसी तरह से 97, 98, 99 में हो गया। इसका कुल इफेक्ट ये हुआ कि तीन साल में सी को प्रॉफिट के मिले 26,055, डी को मिले 13,029। सी को टोटल इंटरेस्ट मिला तीन साल में 15,000, डी को मिला 7,500, ई को मिला इंटरेस्ट 5,400 और ई को मिली सैलरी 10,500। अब डिसाइड क्या हुआ देखिए, अब डिसाइड ये हुआ कि ये जो हमारे प्रॉफिट है ना 38,500, 8,584 एंड 30,400, अब इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है हमको, इसलिए पहले मैंने ये प्रॉफिट्स मैंने पहले फाइंड आउट किए। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या करना आपको कि आपका प्रॉफिट ये ऑलरेडी हो चुका है, अब टर्म्स चेंज हो गए। टर्म्स क्या है कि 38,500 है ना, इसमें से हम क्या करेंगे, पहले ई की सैलरी देंगे कितनी 2,500 नॉट 3,500 नाउ इट इज 2,500 सैलरी, फिर ई का जो लोन है 30,000 वो कैपिटल ट्रीट किया और उसको इंटरेस्ट मिलेगा एज अ कैपिटल जितना कितना 5%, फिर वो इंटरेस्ट जाएगा और वो इंटरेस्ट देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो तीनों में जाएगा इन द न्यू पीएसआर, और न्यू पीएसआर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। गॉट इट? नाउ दैट डी इज टेकन फॉर 1/6 शेयर और इनका पहला शेयर क्या था 2:1, तो जरा एक न्यू पीएसआर निकाल लीजिए 10:5:3, वाह क्या बात है। सो फाइंड आउट न्यू पीएसआर, न्यू पीएसआर एक तो बड़ा सिंपल होता है, ए एंड बी का 2:1, डी इज फॉर 1/6 शेयर ना, तो ऐसे भी करते थे 6-1 5, 5 into 2 10, 5 into 1 5 and 2+1 3, 3 into 1 3, so ratio comes to 10:5:3। नहीं तो आप करके देखो, इज इट न्यू पीएसआर 10:5:3 6-1 5, उस 5 से इस 2 को मल्टीप्लाई किया 10, 5 into 1 is 5 और ये दोनों की टोटल
इस वन को मल्टीप्लाई 3, 10, 5, 3 यही आपका रेशो आता है 10:5:3। हाँ अब क्या करेंगे आप, अब आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अगला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए था, सो अगेन मेक द फाइव कॉलम्स, पर्टिकुलर्स 97, 98, 99 एंड टोटल। Write down profit before interest and salary, तो ये देखिए हमने निकाल दिया प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, बराबर है। सो टेक दिस प्रॉफिट एज अ स्टार्टिंग लाइन 38,500, 8,584 एंड 30,400। अब इसमें से क्या देना है, सबसे पहले इक्की सैलरी, सॉरी डाउन लेस सैलरी टू ई, एवरी ईयर इट इज 2,500, 2,500 एंड 2,500, मतलब कितना हो गया 7,500, is it? Then interest on capital, CDE, it is again 1 lakh into 5%, T ka 50,000 into 5% and E ka jo loan tha उसके ऊपर 5%, अब 6% नहीं 5% मिलेगा, सो दैट इज 10, 5, 3, is it? Now therefore profit after salary and interest कितना 27,000। लॉस आएगा 2,916 लॉस, तो ये जो आपका प्रॉफिट है दिस इज आफ्टर इंटरेस्ट एंड सैलरी। नाउ आगे इसमें लिख दीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड टू सी डी ई 10, 5, 3। दिस इज व्हाट 15,000, 7,500 एंड 4,500। क्यों आगे वन थाउजेंड सिक्स
1,006, 28, 1,620, 810, and 486. Is it? अब ये टोटल कर लीजिए, मतलब तीन साल में अब सी को क्या मिलता, 15,000 - 1,620 + 10,500, 23,880, 11,940. अच्छा, हो गया सबका। इसका मतलब यह है कि न्यू डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से सी को मिलता इंटरेस्ट 15,000 रुपए और शेयरिंग प्रॉफिट 23,880, डी को मिलता इंटरेस्ट 7,500, प्रॉफिट 11,940 और ई को मिलता सैलरी 7,500, इंटरेस्ट 4,500 एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,164। ये मिलता और ये वाला ऑलरेडी मिल चुका है। अब आपको क्या करना है, कंबाइंड स्टेटमेंट करना पड़ेगा कि क्या मिल चुका है और क्या मिलना चाहिए था, एंड नाउ यू गेट द डिफरेंस। आर गेटिंग? दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब इन दोनों को कंबाइन करके आपको करना पड़ेगा, व्हाट इज ऑलरेडी गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन। जो ऑलरेडी दिया है वो क्रेडिटेड है, दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिटेड, फिर एक्सेस क्रेडिट या डेबिट। अब समझ में आएगा आपको, ठीक है। सो बनाइए अगला स्टेटमेंट। Now make the four column, particulars C, D, E. अभी पार्टनर वाइज कॉलम बनेंगे आपके, particulars C, D, E. Write down amount already credited, आपको जो पहला स्टेटमेंट था उसके हिसाब से आप देखिए आपने सी को अब तक क्या क्या क्रेडिट किया। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप देखिए यहां पर, प्लीज कम हियर, अमाउंट हमने क्या क्रेडिट किया अब तक सर, हमने सी को इंटरेस्ट, ठीक है ना, 1, 2, 3 साल में लगकर कितना दिया हमने इंटरेस्ट, दिस इज नॉट क्रेडिटेड सी को। अच्छा, हमने ऑलरेडी क्या क्रेडिट किया और उसको प्रॉफिट दिया हमने कितना, दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी क्रेडिटेड, बराबर है। सिमिलरली सी को कितना, डी को कितना और ई को कितना, ये सब कुछ आपको लिखना है। देन दिस इज व्हाट रिक्वायर्ड टू बी क्रेडिट एंड देन दोनों का कंपैरिजन, ठीक है। चलिए, तो कितना इंटरेस्ट हमने अब तक दिया ऑलरेडी तीन साल में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 15,000, डी को कितना दिया तीन साल में 7,500, ई को डैश क्योंकि उसके लिए इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया वो हमने उसे तीन साल में 5,400। इसलिए हमने पहले स्टेटमेंट का जो टोटल का कॉलम है वो देखिए, अब हम ऑलरेडी क्या दे चुके, हमने ई को ऑलरेडी लोन, लोन पर इंटरेस्ट दिया कितना 5,400। देन सैलरी, हमने सी और डी को कोई सैलरी नहीं दी, ई को हमने सैलरी दी कितनी 10,500। देन तीन साल में हमने दिया शेयर इन प्रॉफिट
वो दिया हमने सिर्फ सी को, कितना है वो शेयरिंग प्रॉफिट 26,055 और डी को दिया 13,029, ई को कुछ नहीं दिया हमने, इज इट? सो ये हम ऑलरेडी एज अ इंटरेस्ट सैलरी और शेयरिंग प्रॉफिट हम दे चुके हैं, कितना दिया हमने कुल मिलाकर सी को 41,055, 20,529 and 15,900. This is what already created. Got it? Now, amount required to be credited. Ab as per change in terms, क्या मिलना चाहिए था? वो ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है? So क्या मिलना चाहिए था सी को? सी को इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था? 15,000. सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट 23,800. उसी तरह से सी डी ई का कीजिए और फिर दोनों का कंपैरिजन होगा. सो नंबर वन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिलना चाहिए? 15,000. बी को 7,500 और ई को इंटरेस्ट, दिस इज व्हाट, 4,500. अब उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही आएगा क्योंकि उसका लोन कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका है. देन सैलरी कितनी मिली चाहिए? सैलरी तीनों साल में मिलाकर ई को, दिस इज व्हाट, कहां गया वो सैलरी टू, इट इज 7,500 इन ईज कॉलम. एंड देन शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना सी का? सचिन ये भी दिखाना है, 23,880, 11,940, 7,164. हाँ, मतलब ए को सी को मिलना चाहिए 38,880, कितना 19,164. Got it? मतलब सी को पिछले साल में एज अ इंटरेस्ट एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलाकर मिल चुका है 41,055, जबकि मिलना चाहिए था 38,880. मतलब इसे एक्सेस क्रेडिट या फिर एक्सेस सिर्फ एक्सेस देखो. हाँ देखिए, 41,055 मिल चुका है और 38,880 मिलना चाहिए, मतलब कितना क्रेडिट एक्स्ट्रा मिला? 2,175. इसे एक्सेस मिला है, एक्सेस क्रेडिट हुआ, मतलब इसके अकाउंट को क्या करो आप? उतना कम कर दो ना, डेबिट कर दो. Now here 25,029 मिल चुका है, हालांकि मिलना चाहिए था सिर्फ 19,440, मतलब कितना ज्यादा क्रेडिट हो चुका है? 1,000. ये ज्यादा क्रेडिट हो चुका है ना, मतलब उसको करो फिर से डेबिट कर दीजिए उसके अकाउंट को. और ई को 5,900 मिला है, मिलना चाहिए सर 19,164, मतलब और कितना मिलना चाहिए फिर? कितना? 3,264 क्रेडिट. सो फाइनल एंट्री होगी सी कैपिटल डेबिट, डी कैपिटल डेबिट टू ईज कैपिटल अकाउंट. सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,175, क्योंकि सी को ऑलरेडी 41,055 क्रेडिट हो चुका है, जब उसको क्रेडिट होना चाहिए था सिर्फ 38,880, मतलब उसके अकाउंट में एक्सेस क्रेडिट है, ज्यादा क्रेडिट है, इसलिए उसको कर देंगे हम डेबिट. सो 2,175 डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,089 टू इज कैपिटल अकाउंट 3,200. प्रीचेक एंडिट एरिया, इट मस्ट टैली.
इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? देखिए अब ये बाकी के स्टेटमेंट आप बनाए ना बनाए आंसर तो सिर्फ इतना है, इतनी से छोटी सी आपको एक एंट्री पास करनी है ही क्या उसमें? सो सिंपल, बोलो ना हाँ हाँ सर। समझा सबको क्या किया? देखिए आपको फिर से बता दूं, प्रॉब्लम में करना क्या था आपको कि जो ऑलरेडी 3 साल में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, सिंपल पर जो 3 साल में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है पहले वो फाइंड आउट कीजिए, फिर चेंज इन टर्म के से क्या होना चाहिए था ये फाइंड आउट कीजिए, और जो हो चुका है और जो चाहिए फिर इन दोनों का डिफरेंस कीजिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, समझ में आ गया? तो इसी प्रॉब्लम का एक सेम प्रॉब्लम आपको होमवर्क में देता हूं, प्लीज कम टू नंबर 31।